नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मुरली वाले पर अगर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का अगर आपको डर है तो फिर विश्वास कैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 20 जुलाई दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और आपको आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, और आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज ज़रूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पांचांग के बारे में। आज का पांचांग है 20 जुलाई 2022 दिन बुधवार। आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों आज सूर्य देव उदय होंगे सुबह 5:37 पर, और सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 7:19 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 8:20 से सुबह 10:15 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 12:27 पर दोपहर 2:10 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 9, और लकी कलर है गुलाबी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में। घर के सुख सुविधा संबंधी कार्यों में भी आपका विशेष इस समय योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आर्थिक स्थिति भी उचित बनी रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश करने के लिए ये जो कार्य होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। साथ ही इस समय सावधानी की ओर बात करें तो दोस्तों इस समय संतान से संबंधित कुछ कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी। अपनी भावुकता जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ लोग आपका इस समय गलत फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों इस समय दोपहर बाद गृह स्थितियाँ आपके लिए कुछ उपयुक्त रहेंगी, तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपके लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका जो योगदान होगा समाज में आपको एक नई पहचान देगा। दोस्तों किसी पारिवारिक मुद्दे पर आपकी जो उपस्थिति होगी उसे सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। ये समय परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहा है, इसका उचित सदुपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी रिश्तेदार की वजह से धन की हानि होना संभव होगा। लेन देन करते समय लापरवाही ना बरतें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी ज़रूरत होगी। ये समय किसी भी यात्रा को करने से ये जो समय होगा वह उचित समय नहीं है, इसलिए दोस्तों इस समय आप कुछ स्थगित रखें, यह आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होगा आपका अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर तरीके से बनाने में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के अनुरूप ही कोई नौकरी मिलने से चिंता दूर होगी। धर्म कर्म तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी इस समय रुचि रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय धन के लेन देन से समय कोई नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है, जिनकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन जैसा थोड़ा सा माहौल भी रहेगा। दोस्तों आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज कर सकती है, अपने स्वभाव को सहज और नरम बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होगा, दोस्तों परिवार के साथ घर की साथ संजय संबंधी व्यवस्थित वस्तुओं की खरीदारी में अच्छा समय व्यतीत होगा। सभी सदस्यों के बीच हाज प्रयास तथा मनोरंजन भरा वातावरण बना रहेगा। दोस्तों ये समय आप तथा परिवार तथा समाज जैसे के बीच में तालमेल बनाकर रखें। व्यवस्था के बावजूद भी इस समय सभी कार्य सही तरीके से इस समय पूरे होंगे, जिनसे दोस्तों आपका मन भी इस समय प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय अपने विधोर विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। आप जो है किसी षड्यंत्र या फिर गलतफहमी के शिकार भी इस समय हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार या फिर मित्र के भी
कुछ कहा सुनी हो सकती है। इनकी वजह से दोस्तों मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना भी इस समय करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों इस समय आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिनसे आपका मन भी मोटिवेटेड होता रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो बात करें आपके व्यवसाय की अर्थात करियर की, तो दोस्तों इस समय आपके करियर के लिए जो समय होगा व्यवसाय में धन संबंधी मामलों तथा योजनाओं को किसी कार्य रूप देने के लिए ये जो समय होगा उचित समय होगा, परंतु दोस्तों व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों स्टाफ के बीच कोई राजनीति चल सकती है। इस समय राजकीय सफलता और सुखता से प्रसन्न आप होते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके करियर के लिए जो समय होगा, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, दोस्तों कोई भी नया काम शुरू करना इस समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपना ध्यान दें तथा नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी इस समय करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होगा, इस समय कार्य क्षेत्र में आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, परंतु साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे। दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि किसी नज़दीकी मित्र की सलाह से आपको कोई रुका हुआ कार्य भी इस समय संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ त्रामपण संबंधी योग भी बढ़ रहे हैं जिनमें दोस्तों आपको तरक्की इस समय संभव है। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होगा, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। किसी भी नई योजना पर काम शुरू करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से अभी ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों पर इस समय अपने उचित व्यक्तियों का सहयोग बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इस समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होगा, आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होगा, दोस्तों घर में अनुशासित तथा व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ तकरार भी उत्पन्न हो सकती है, अर्थात दोस्तों ये समय आप अपने जो है धर्म पत्नी या फिर जीवन साथी से बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें, यह आपकी लव लाइफ के लिए समय बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होगा, दोस्तों परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा, परंतु ध्यान रखेंगे कि भारी संबंध आपके परिवार में सुख शांति में बाधा डाल सकते हैं, तो दोस्तों किसी भारी व्यक्ति को अपने परिवार के समक्ष हस्तक्षेप करने ना दें, यह आपके लव लाइफ के लिए समय बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होगा, दोस्तों आर्थिक परेशानियों को लेकर पति पत्नी के बीच थोड़ा सा तनाव भी रहेगा, बेहतर होगा कि आपस में बैठकर समस्या का हल निकालें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होगा और आप इनसे दोस्तों समस्या का हल भी इस समय निकाल पाएंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होगा, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होगा, दोस्तों आपको बता दें कि घर का माहौल इस समय अर्थात पूर्ण खुशनुमा और व्यवस्थित बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम और संबंधों को लेकर गंभीर और ईमानदार रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों अगर आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से तनाव और थोड़ी सी कमजोरी भी आपके ऊपर हावी रह सकती है। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में भी समय को लगाएं तथा प्रकृति के निकट भी अपने समय को व्यतीत करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, तो इन पर आप ज़रूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए ये जो समय होगा, मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ की समस्या बढ़ सकती है, मेडिटेशन तथा योगा आपके लिए समय उचित इलाज होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।